हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राज बीजापुर सॉक्टा पैड। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज के कंटेंट में मेरे पास में अवेलेबल है रोलैंड का 20X पैड, एंड इस पैड पर मैं लेके आया हूं आज आपके लिए स्पेशल पैच एडिटिंग सेटिंग, यानी कि पैच कैसे बना सकते हैं, 20X में पैच कैसे बनाए जाते हैं, आज ये हम सीखने वाले हैं। एंड इसके जो टोटल स्विच होते हैं 16 स्विच होते हैं इनके, तो वो सारे स्विच क्या रोल होता है, उन स्विच का क्या काम में आते हैं, कौन से स्विच से क्या ऑपरेटिंग होती है, वो सब कुछ आज हम सीखने वाले हैं। अगर आप 20X यूजर हैं, आपको पैच बनाने नहीं आते, तो डोंट वरी, आज हम सब कुछ वन बाय वन सीखने वाले कि पैच कैसे बना सकते हैं। इसमें कुछ वॉइस लूप्स भी अटैच है, तो वो भी हम देखने वाले कि कौन से इंस्ट्रूमेंट नंबर पर कौन से वॉइस लूप्स होते हैं इसमें, तो सब कुछ वन बाय वन चेक करने वाले गाइस। अगर आपको पैच बनाना नहीं आता, आप 20X यूजर है, बिगिनर्स है, तो आप वीडियो को विदाउट स्किप देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के ऑक्टापैड के फ्रंट पेज पर और देखते हैं आज की पैच एडिटिंग सेटिंग्स एंड ऑल इन्फॉर्मेशन। सो गाइस, आ चुके हैं ऑक्टापैड के फ्रंट पेज पर और अभी देखेंगे पैच की सेटिंग, की पैच कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो स्विच दिख रहे हैं हम लोगों को, वो स्विच कौन सा स्विच किस काम में आता है, कौन से स्विच का क्या रोल होता है, कौन से स्विच से हम क्या ऑपरेटिंग कर सकते हैं, ये आज अभी देख लेते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एडिट का जो स्विच नज़र आ रहा है, ये एडिट, एक तरह से एडिट मेन्यू भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसी की हेल्प से हम एंटर करते हैं मेन्यू में एंड इसी की हेल्प से वापस एग्जिट हो जाता है। तो ये पैच बनाने के लिए सबसे पहले इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये एडिट का स्विच है, उसके जस्ट बाद में FX ऑन ऑफ लिखा हुआ है। ये देखिए, मैं इसको प्रेस करूँगा, अभी लाइट चल रहा है, प्रेस कर दिया, लाइट ऑफ हो गई। तो यहाँ का इसका इंडिकेशंस आप यहाँ से, ये जो लिखा हुआ इफेक्ट्स, रिवर्ब, डिले, चौरस वगैरह, इसका कनेक्शन इससे है। जब हम पैच बनाते हैं, उस पैच में डिले फंक्शन रखते हैं या फिर रिवर्ब रखते हैं, ये सब कुछ रखते हैं, तो इफेक्ट्स रखते हैं, तो इस FX की ज़रूरत पड़ती है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन से पैच में, कौन से पैड पर, कौन से इंस्ट्रूमेंट में हमने कौन सा सेटिंग इफेक्ट्स रखा है, तो उसके लिए FX की हमको ज़रूरत पड़ती है। जब पैच बनाएंगे तब उसके लिए इसका पता लग जाएगा, विथ डेमो करके देखेंगे। उसके जस्ट नीचे आते हैं ऑल इंटर पर, तो ऑल इंटर का ये रोल होता है गाइज, जब पैच को मिडी करना होता है तब ऑल इंटर की ज़रूरत पड़ती है, पैड को मिडी करना होता तब, एंड पैच को कॉपी करना होता है तब भी ऑल इंटर की ज़रूरत पड़ती है। एंड ऑल इंटर अगर किसी भी, मान लीजिए यहाँ पर एक पैड में कोई भी साउंड्स है, उस साउंड को सब जगह कॉमन करना है, एक सेटिंग है यहाँ पे, यही सेटिंग सब जगह कॉमन करनी, सारे पैड्स में कॉमन करनी है, तो उसके लिए ऑल इंटर बेस्ट मेथड होता है, एक ही क्लिक में सब कुछ कॉमन हो जाता है, तो ये ऑल इंटर का रोल होता है। सेकेंड, यहाँ पर एडिट के जस्ट पास में आपको दिख रहा है कॉपी का स्विच, जहाँ पे कॉपी लिखा हुआ है, कॉपी का अपना पर्सनल फंक्शन ही है। कॉपी का मतलब ये होता है कि पैच को हम कॉपी कर सकते, कैसे कर सकते, जैसे कि 59 नंबर का ये मेरा किट आपको शो हो रहा है यहाँ पे, तो ये 59 नंबर का किट्स, मान लीजिए या कहीं दूसरे जगह दूसरे नंबर पर कॉपी करना है, तो वो कॉपी स्विच की हेल्प से कर सकते हैं। एंड बाकी वापस कॉपी स्विच यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो वो भी इस कॉपी वाले स्विच से ही करेंगे। मतलब 59 नंबर का मैंने पैच कहीं और कॉपी कर लिया है, तो कॉपी स्विच की हेल्प से ही कर सकते हैं, इसकी हेल्प से ही कॉपी होता है। तो कॉपी पेज का वीडियो हम लेके आएंगे, वैसे 20 का वीडियो तो है ही है, 20X का भी लेके आएंगे कि पैच कॉपी कैसे की जाते है। उसके जस्ट नीचे आते हैं लेयर पे, तो लेयर का कनेक्शन होता है बैंक, ये पैड बैंक लिखा हुआ है, इनसे कनेक्शन होता है, यानी कि सिंपली आपको बता दूं कि एक पैड में दो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज होते हैं, किसी भी एक पैड में, ये भी एक पैड है, तो इसमें दो इंस्ट्रूमेंट एक साथ में यूज हो सकते हैं, तो ये लेयर की हेल्प से एक पैड में एक एक बैंक का अलग अलग वर्क करते हैं, तो उसके लिए बैंक को ऑफ करके करते हैं तो शायद आसान रहता है, एंड समझने के लिए भी आसान रहता है कि कौन से बैंक में हमने क्या रखा है। तो जब पैच बनाना शुरू करेंगे तब इसमें विस्तार से आपको पता लग जाएगा। तो ये होता है लेयर का कनेक्शन, बस इसका इंडिकेशन पैड बैंक से, ये देख लीजिए। अभी बैंक चेंज कैसे होगी, ये पैड बैंक से चेंज होगी, ए ए बी है ना,
तो ये इसका कनेक्शन इससे है, उसके जस्ट नीचे प्लस एंड माइनस, ये तो आपको पता ही है अप डाउन का स्विच है, बैक फॉरवर्ड एंड फास्ट फॉरवर्ड करने के काम में आता है। एंड उसके जस्ट बाद में पैच चैन लिखा हुआ, तो पैच चैन का भी अपना एक फंक्शन है। पैच चैन का ये मतलब होता है कि हम अपनी मनपसंद किट्स की प्लेलिस्ट बना सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 59 नंबर का है, अब उसके जस्ट बाद में मुझे एक नंबर का ही चाहिए, तो पैच चैन की हेल्प से एक चैन बना सकते हैं। तो जैसे ही सेकंड क्लिक करेंगे वापस एक नंबर का किट आ जाएगा एक ही स्विच में, वरना यहाँ से अभी एक नंबर के किट को अपन फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा प्लस माइनस की हेल्प से। तो ये पैच चैन का होता है। पैच चैन का वीडियो मेरा 20 के लिए तो आ चुका है चैनल पर, 20X के लिए भी लेके आ जाएंगे। तो पैच चैन का ये रोल होता है। उसके जस्ट बाद में बैंक का मैंने बता दिया आपको, ये बैंक का इंडिकेशन है यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। उसके जस्ट नीचे ये माइनस का हो गया। अभी ये सेलेक्ट का है, तो सेलेक्ट का ये रोल है कि सेलेक्ट का किसी भी 20 में यहाँ पे ये सेलेक्ट की ऑप्शन से ये सारे स्विच ऑपरेट होते हैं, सारे फंक्शन ऑपरेट होते हैं। लेकिन 20X में थोड़ा सा अलग कर दिया है, 20X में ये चारों स्विच दिख रहे हैं ना, ये सारों स्विच का अपना अपना एक अलग से स्विच दिया गया है, सारे फंक्शन का, साउंड मिडी एंड FX यूटिलिटी एंड सिस्टम। यहाँ से ये डायरेक्टली हम इसको स्विच को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब 20 में क्या होता है, सेलेक्ट की हेल्प से ही इसको ऑपरेट, हालांकि इसमें भी ये डायरेक्ट फंक्शन दिया हुआ है सेलेक्ट में, देखिए सेलेक्ट प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे लाइट अलग अलग अप डाउन हो रहा है, ठीक है, बैक फॉरवर्ड फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है। तो 20 में सीधा सा सिस्टम है, यहाँ पे अलग से भी दिया हुआ है, इनका अलग से सारे चारों स्विच दिए हुए हैं, अलग से ऑपरेट करना चाहे तो ये इन कर्सर से भी कर सकते हैं, इनसे भी कर सकते हैं। तो ये सेलेक्ट की हेल्प से किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करना होता है ना, यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है कि कौन सी चीज़ मेन्यू को इंटरफेस करना है, डन करना है कौन सी चीज़ को। तो उसके जस्ट बाद में साउंड, ये जो साउंड वाला जो सीरीज है इसमें टोन बनते हैं, पैच बनते हैं साउंड वाली सीरीज में। यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ इंस्ट्रूमेंट लेवल पिच डीके पैन कर्व एंड FX एंड, ये नॉर्मल बेसिक पैच जो होते हैं वो यहाँ से बनते हैं। उसके बाद में आता है ये मिडी पैडल। मिडी पैडल का मैं आपको बता दूँ, जब मिडी केबल कनेक्ट करते हैं या और कोई इंस्ट्रूमेंट अटैच करते हैं इससे, तब मिडी पैडल की ज़रूरत पड़ती है। FX यूटिलिटी में जब पैड को डिले वगैरह लगाना होता है, EQ वगैरह लगाना होता है, FX टाइमिंग, जैसे कि डिले का टाइमिंग मैच करना होता है, डिले का टाइमिंग सेटिंग करना होता है, एंड उसके जस्ट नीचे यहाँ पे एक नेम फंक्शन भी दिया हुआ है इसका। हाँ, जब पैच में नेम लिखने होते हैं किट्स के नेम, यानी कि ये मेरा लिखा हुआ है, देख लीजिए आप कंपनी में डेढ़ ये कैलेस्टा लिखा हुआ है, तो इसके जगह आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, किसी पैच का नाम भी लिख सकते हैं। पैच नेम लिखने के लिए मेरा वीडियो ऑलरेडी 20X का अवेलेबल है चैनल पे, मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो ये FX यूटिलिटी फंक्शन से होगा, ठीक है। उसके बाद में आते हैं सिस्टम्स पे। तो सिस्टम्स का इसमें पैड सेंसिटिविटी सिस्टम दिया हुआ है, SD कार्ड जो पीछे लगता है उसका सिस्टम दिया हुआ है, फैक्ट्री रिसेट यानी कि रिसेट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए उसका सिस्टम दिया हुआ है, ट्रिक थ्रेशोल्ड सिस्टम यानी कि सेंसिटिविटी अप डाउन, जैसे कि कितना लाउडनेस रखना है पैड का आउटपुट, कितना स्लो रखना है, वो सब कुछ सिस्टम्स दिए हुए हैं। तो ये सिस्टम से होगा, ये तो सी स्विच इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद में अभी देखते हैं कि पैच कैसे बनाए जाते हैं। गाइस, अगर ये सब कुछ देखने के बाद में भी अगर आपका कोई इशू रह जाए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर एक अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, या फिर अगर आपका शॉर्ट सॉल्यूशन होगा तो शॉर्ट्स वीडियो बनाएंगे, एंड उससे भी शॉर्ट सॉल्यूशन होगा तो आपको कमेंट्स में ही आपका जवाब मिल जाएगा। तो आपका कुछ भी इशू है, अगर आप 20X यूज़र है, कुछ भी सेटिंग इशू है आपका, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अभी पैच बनाने का जो बेसिक तरीका वो हम सीख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एडिट प्रेस करना है, उसके जस्ट बाद में आपको यहाँ पे साउंड पे आना है, ठीक है। साउंड पे आके ये अप डाउन के जो स्विच है ना, ये अप डाउन स्विच की हेल्प से आपको यहाँ पे इंस्ट लिखा हुआ है यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पर जाना है। उससे भी पहले आपको लेयर की हेल्प से बैंक को ऑफ कर देना, मतलब किसी भी एक बैंक में वर्क करना है, सबसे पहले किसी एक बैंक को कंप्लीट करना है, फिर सेकेंड बैंक में अपन टोन बनाएंगे, क्योंकि एक पैड में दो बैंक यूज होती है, एक पैड में दो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। तो पहले एक बैंक का कंप्लीट करेंगे, उसके जस्ट बाद में दूसरी बैंक का करेंगे, ताकि ना तो कोई कन्फ्यूजन हो और टोन अच्छे से बना सकते हैं। तो किसी भी एक पैड में हम पहले बना के देख लेते हैं विथ डेमो के लिए।
तो मैं किसी भी एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के लिए टैप करना होता है, ज़रूरी होता है, तो मैंने इसको टैप कर लिया। अब यहाँ पे देखिए मेरा M07 ये इंस्ट्रूमेंट नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, M07 इंस्ट्रूमेंट नंबर लिखा हुआ है, तो प्लस माइनस की हेल्प से यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सर्च करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट सर्च करके देख लीजिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये सब अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, ये तबला का आ गया, चाटी आ गई। तो ये जैसे कि इंस्ट्रूमेंट मैंने एक सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, अभी आपको ऐसे सर्च करके इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करने हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको रखना है, ठीक है। मैंने जस्ट सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद में आपको उसके जस्ट नीचे आना है। यहाँ पे लिखा हुआ लेवल, तो ये होता है इसका वॉल्यूम, यानी कि इस पर्सनल इसका वॉल्यूम, तो ये मैक्सिमम 15 होता है एंड मिनिमम 1 होता है, 0 होता है, तो वो आपको अपने हिसाब से मैनेज करना होता है कि मुझे इस पर्सनल इस इंस्ट्रूमेंट का वॉल्यूम कितना चाहिए होता है। तो मैक्सिमम 15 है, अपन कुछ भी अपन डेमो के लिए रख लेते हैं, यहाँ पे मैंने 10 रख लिया है। उसके बाद में यहाँ पे जस्ट थर्ड नंबर पे लिखा हुआ होता है पिच, लिखा हुआ है, तो पिच का गाइस ये पिच यानी कि सुर, स्केल, इसका स्केल कितना रखना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए ये रख लिया मैंने, ठीक है, जी शार्प, ठीक है। उसके जस्ट बाद में आता है डीके, डीके का मतलब होता है एक इक्यू समझ लो आप जितना रखेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैंने पूरा 30 रख लिया, 31 मैक्सिमम होता है इसका एंड मिनिमम 0 होता है। तो 31 के बाद में देखिए लंबा एक आंस आ रही है ना, बजी रहा है कंटिन्यू, तो इसके लिए आपको यहाँ पर नॉर्मली 15 या 10 के आसपास रखना है, ये बेस्ट है, 10 सबसे बेस्ट है, ठीक है। और इसके बाद में अभी पेन, पेन में देखिए एल आएगा, सेंटर आएगा, ये आर आएगा, तो ये जब लेफ्ट राइट का अपन कॉम्बिनेशन करते हैं तब एल एंड आर का यूज़ होता है, एंड ये रैंडमली भी रख सकते हैं, एंड अगर एक ही प्लग आप यूज़ कर रहे हो सब में सेंटर आपको आउटपुट देना है, सब में एक जैसा देना, तो आपको यहाँ पे सेंटर रखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ कर्व, तो कर्व में आपको देखिए ESP4, ESP3, ESP2 ये सब लिखा हुआ है, SP12, SP11, सॉफ्ट, हार्ड। इसमें ये जो हार्ड वाला है ये आप जितना ज़ोर से टैप करोगे उतना बजेगा, जितना स्लोली टैप करोगे उतना नहीं बजेगा। ये सबसे लास्ट में आता है इसका कॉन्स्ट, तो कॉन्स्ट का इसमें ये रोल होता है कि कॉन्स्ट में आपको स्लो टैप करो या ज़ोर से टैप करो, आपको कॉन्स्ट में सीधा लाउडनेस ही सुनाई देगा। तो इसमें आपको नॉर्मली आपको मैं रेकमेंड करूँगा, आप रखिए यहाँ पे ESP4, ये आप स्लो टैप करोगे स्लो बजेगा एंड फास्ट जोर से टैप करोगे तो जोर से बजेगा। एंड उसके बाद में FX का, तो FX को यहाँ पे आपको 0 रखना होता है मोस्टली, क्योंकि डिले वगैरह रखते हैं तो उसमें FX की ज़रूरत पड़ती है, या रिवर्ब वगैरह रखते हैं तो, वरना FX में आपको 0 रखना है। ये आपका ए बैंक हो गया पूरा तैयार, तो इसी तरह से आपको बी बैंक भी आप यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे आपको इंस्ट्रूमेंट रखने हैं फॉर एग्जाम्पल, और लेवल पिच ये सब कुछ पूरा वही का वही सेम प्रोसेस है। उसके बाद में लेयर दबा के आप दोनों बैंक को अटैच कर देना है, और इसी तरह आपको सर्च करके ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप जो भी पैच बना सकते हैं वो आपको यहाँ पे ऐसे सर्च करके बनाने हैं, ठीक है। ये इसका रोल हो गया पूरा। अभी मैं आपको बता दूँ, मैंने कहा था कि इंस्ट्रूमेंट्स में यहाँ पे कुछ सैम्पल लूप्स दिए हुए हैं, कुछ लाफिंग वगैरह कुछ, तो वो उसके इंस्ट्रूमेंट्स नंबर हालांकि आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैं बता दूँ आपको, कैपिटल लेटर्स का जो आई होता है वहाँ से शुरू है इसमें, ये देखिए मृदंग है और भी बहुत से टोन्स हैं इसमें, कंजीरा, टोटल 45 वॉइस है आपका, जे हो वगैरह ये सब कुछ मिक्स है। तो ये कैपिटल लेटर का आई जो होता है ना, संख वगैरह सब कुछ है, तो ये टोटल 45 वॉइस है, कैपिटल लेटर का आई होता है अल्फाबेट्स में,
वो i1 से लेकर i45 तक ये सब कुछ सैंपल लूप से आप इसके भी यूज कर सकते हो एक इफेक्टिव पैच के लिए। एंड उसके बाद में ये हो गया टोटल सेटिंग्स ऑल इंफॉर्मेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये जो एफएक्स का जो मैंने आपको बोला है, एफएक्स का रोल रिवर्ब एंड डिले वगैरह रखने में काम आता है। तो ये एफएक्स का रोल हो गया। एंड ऑल इंटर का अगर आपको मैं डेमो करके दिखा दूँ तो ऑल इंटर का जस्ट ठीक है, ऑल इंटर का ये जो स्विच है इस पर डेमो करके देते हैं। ये ऑल इंटर का यहाँ पे रखा हुआ है, जस्ट मैंने ऑल इंटर प्रेस किया, सब जगह सेम इंस्ट्रूमेंट्स आ गए। देखिए आप i45 सब उसकी सेटिंग्स नहीं आई क्योंकि खाली i45 इंस्ट्रूमेंट्स को कॉपी किया ना, तो सब जगह ये i45 आ चुका है। तो ये ऑल इंटर का रोल होता है, ठीक है। ये इस तरह से ऑल इंटर का रोल होता है। एंड लेयर का कॉम्बिनेशन में आपको बता दिया, लेयर का इंडिकेशन इनसे होता है बैंक का, ये भी करके देखना आपको। सबसे पहले आप जब भी पैच बनाने बैठे एडिट दबा के सीधा लेयर दबाइए, लेयर दबाने के बाद में बैंक को अलग अलग कीजिए। सबसे पहले ए बैंक या बी बैंक कंप्लीट करिए, सबसे पहले किसी एक बैंक को चूज कर लीजिए, ए बैंक को कंप्लीट कर लीजिए या फिर बी बैंक को कंप्लीट कर लीजिए। सब एक एक बैंक पर आप वर्क करेंगे ना, एक एक बैंक को कंप्लीट करेंगे ना, तब आपका पैच अच्छा बनेगा, आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। तो ये पैच बनाने का एक बेसिक तरीका है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपका कुछ भी इशू रह जाए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उस पर एक अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। अगर आपकी शॉर्ट प्रॉब्लम होगी तो शॉर्ट में ही उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में एक अच्छे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी म्यूजिशियन भाइयों को जय माशाल्लाह।